प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा आहे। आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ जलगाव की ओर से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से MPJ ने महाराष्ट्र हुकूमत से ये मांग की है कि 3 विधायक जो हमारी संसद में 5 जून 2020 को महामारी में 3 विधायक लाकर सरकार ने किसानों पर जो जुल्म किया है, वो 3 काले कानूनों को महाराष्ट्र सरकार सहानुभूति ना बताते हुए महाराष्ट्र विधान भवन में एक बिल पारित कर जिस तरह से पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में वहाँ की हुकूमतों ने जो बिल पारित कर उसको निष्प्रभावी बेअसर किया, तो हम महाराष्ट्र हुकूमत से भी ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा अध्यादेश लाए और विधानसभा में चर्चा कराकर वो बिलों को बेअसर करे। और MSP को लेकर जो किसानों की मांगे हैं, अब तक हमारे 150 से ज़्यादा, 200 से करीब किसानों ने शहादत दी है, तो हम ये कह रहे हैं हुकूमत से कि वो उनकी शहादत को नज़रअंदाज ना करे और ऐसा ना हो कि अब पूरा देश ये जन आंदोलन में बदलने जा रहा है, किसान आंदोलन नहीं रहा। तो हम किसान का समर्थन करते हुए, किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि वो 3 कानूनों को वापस ले, और महाराष्ट्र हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र विधानसभा में बिल लाकर इनको बेअसर करे। अगर ये काले कानून अगर रद्द नहीं होते तो आगे आपके क्या कदम? मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ ने इससे पहले भी सितंबर में निवेदन देकर पूरे महाराष्ट्र में ये मांग की थी राष्ट्रपति महोदय से कि ये 3 काले कानून की निंदा की थी, इनको वापस लेने की मांग की थी। फिर 4 दिसंबर 2020 में पूरे प्रदेश में MPJ ने ये मांग की थी, और अब चरमबद्ध तरीके से संविधान के कार्य क्षेत्र में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से एक भव्य और दिव्य हम आंदोलन खड़ा करने की, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बस्तियां बस्तियां जाकर लोगों में जागरण पैदा कर सरकार से ये मांग करेंगे, और फिर निवेदन के माध्यम से राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को यही मांग करेंगे कि ये कानून को हर कीमत में आपको वापस लेना ही होगा।